अभिनंदन से होके जा रही है और सब इतने एक्साइटेड होके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मौत ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। फिलहाल मैं ट्रेन में हूँ, 6:45 की ट्रेन है रेंडूल एक्सप्रेस। इसका जो टाइमिंग है पहुँचने का वो 11:05 पे, 11:05 पे पहुँच जाएगी। आज एक्चुअली मैं 4 बजे उठा था सुबह मॉर्निंग में, और 4 बजे उठ के अपना रेडी होके गुरुद्वारे से 6 बजे निकल गया था और फिर यहाँ पे स्टेशन पे आ गया। फिर 6:45 की अभी ट्रेन है, 6:40 हो रहे हैं एक्चुअली, बस निकलने वाली है ट्रेन। ट्रेन का नाम है करंडूल एक्सप्रेस। पूरे दिन में एक ही ट्रेन है एक्चुअली, है विशाखापट्टनम टू अर्को वैली। आ जाएगी तो आगे तक नहीं, मतलब एक शाम को है, फिर रात को 9 बजे की, 9:20 की, फिर शाम को है, एक मॉर्निंग में एक ही है, बट 6:45 की। देख सकते हैं आप, ये ट्रेन का जनरल कोच है एक्चुअली, और इसमें ज़्यादा इतनी क्राउड रहता नहीं है, इतनी भीड़। आराम से सो के भी जा सकते हैं चाहे तो, बाकी सोने की जरूरत नहीं, छोटा सा सफर। आज मैं सुबह 4 बजे उठा, नींद तो मुझे भी बहुत आ रही थी बैठे बैठे, बट जब सफ़र स्टार्ट हुआ, व्यूज़ बहुत प्यारे आए, तो सारी मेरी नींद उड़ गई। पर अगर मैं सो जाता ना थोड़ा सा भी, हालांकि सीट थी लेटने के लिए, अगर मैं थोड़ा सा भी सो जाता तो फिर उठ नहीं पाता भाई। फिर मैं वहीं उठता जहाँ ये ट्रेन का एंड है, एंड तो उसका छत्तीसगढ़ में है। भाई अभी ट्रेन टनल से होके जा रही है और सब इतना एक्साइटेड होके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मौत ले रहे हैं बस। बाकी जो व्यू है काफ़ी अच्छा है, विशाखापट्टनम से अरुका वैली तक बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है, और रास्ते में काफ़ी सारे टनल बनते हैं, उन टनल से होकर ट्रेन जाती है, तो वो एक अलग ही मज़ा आया है, काफ़ी अच्छा लगता है। 6:45 की ट्रेन है, जनरल टिकट मैंने लिया है उसका, 60 रुपये का टिकट है, जनरल टिकट मिलता है। पहले मुझे सोचा था कि प्री बुकिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, बट मैंने कंफर्म कर लिया था एक दिन पहले किसी से कि नहीं, प्री की बुकिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जनरल टिकट मिल जाता है तुरंत की तुरंत जाके, और मैंने जनरल टिकट ले लिया, 60 रुपये का जनरल टिकट है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा आया। बहुत बेहतरीन ट्रेन है एक्चुअली, आपको रिजर्वेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है, लगभग खाली जाती है, आपको सीट आराम से मिल जाएगी, बस कहीं कहीं थोड़ी ज़्यादा भर जाती है, बाकी पूरी आपको सीट बढ़िया मिलेगी, बाकी मज़ा बहुत आता है। व्यूज़ आ रहे हैं इस रूट पे बहुत अच्छे, यहाँ पर तो मेरे फ़ोन के नेटवर्क ही गायब हो गए, ना जियो के नेटवर्क आ रहे हैं, मेरा चश्मा गिर गया, ना तो मेरे जियो के नेटवर्क आ रहे ना ही एयरटेल के आ रहे, बिल्कुल लॉस हो गए कनेक्शन यहाँ पर आके। आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पर आके कनेक्शन बीच में आगे का मेरे को पता नहीं अभी तक, बट ट्रेन का जो सफ़र होता है इसमें आपके नेटवर्क नहीं आते, आप कहीं कॉल भी नहीं कर सकते, हालांकि मेरा पोस्ट पेड है एयरटेल का, फिर भी मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे, आई डोंट नो व्हाई। और गाइस, जब आप इस सफ़र को करते हैं विशाखापट्टनम से अरकू वैली तक का, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको ना ट्रेन के राइट हैंड साइड पे बैठना है, क्योंकि सारे व्यूज़ इस तरफ ही आते हैं, उस तरफ इतने व्यूज़ नहीं आते, लेफ्ट हैंड साइड पर जो सिंगल सीट होती है ना यहाँ पर, ये वाली जिस पर मैं बैठा हूँ, मोस्टली जो अच्छे व्यूज़ होते हैं इस साइड ही आते हैं, इस साइड तो बहुत कम आते हैं।
आधे रास्ते हम आ चुके हैं। एक्चुअली जो व्यू है ना ट्रेन से, जो व्यू है बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं तो ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अरुका वैली ज़रूर आएँ और ट्रेन से ही आएँ, क्योंकि बस से मुझे बताया था एक भैया ने कि बस से इतने अच्छे नज़ारे नहीं दिखते, बाकी ट्रेन से बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं। टर्नल में को हो के जाती है ट्रेन तो बहुत अच्छा लगता है। पर अभी फिलहाल लगभग आधा रास्ता कवर हो चुका है, बहुत सुंदर नज़ारा है। बाकी अभी ट्रेन बीच में ही रुकी हुई है, ना स्टेशन है ना कुछ है, बस सब यहाँ पर उतर गए बीच रास्ते में। वहाँ टर्नल है मेरे पीछे और फोटो वगैरह ले रहे हैं, मैं भी वीडियो बनाने लगा अपनी। अभी एक्चुअली हम भौरों के पहुँचे, यहाँ पर पूरा गाड़ियाँ खड़ी है पार्किंग में। अभी यहाँ पर सभी लोग उतर गए लगभग, जिनको भौरा के उतरना है वो तो उतर ही गए, बाकी जिनको नहीं भी उतरना वो भी फोटो खिंचवाने के लिए उतरे हुए। तो यहाँ का जो अभी टेम्परेचर है विशाखापट्टनम से थोड़ा सा कम है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, बाकी धूप काफ़ी तेज है, गर्मी थोड़ी कम है, धूप काफ़ी तेज है यहाँ की। अभी सर वाटरफॉल भी आएगी क्या? वाटरफॉल भी आएगा? हाँ नहीं अरुकू तो आएगा, अभी वाटरफॉल भी आएंगे क्या रास्ते में? वाटरफॉल नहीं, अरुकू में है वाटरफॉल। आप भी अरुकू तक ही जा रही है? अच्छा हिंदी कुंचम कुंचम, इनको पूरा आता है हिंदी? आता है आपको पूरी? आती है या कुंचम कुंचम आती है? कम आती है। अच्छा अच्छा, तो अभी वाटरफॉल आएंगे क्या रास्ते में? हाँ वही अरकू में ही आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइनली पहुंच गए अरकू। 11:05 का ट्रेन का टाइम था, पहले ही पहुंचा दिया। 10:45 पर पहुंचा दिया ट्रेन ने। ट्रेन में कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जनरल टिकट था मेरे पास, लगभग बहुत सारी सीटें खाली पड़ी थी, बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ी भीड़ हो जाती थी, बाकी ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा था। वाटरफॉल इतने आए नहीं, एक वाटरफॉल था वो छोटा सा था, वो मैं शायद कैप्चर नहीं कर पाया। बाकी ये मेरे पीछे अरकू का रेलवे स्टेशन है, काफ़ी छोटा सा है।